अवतार की पार्टी देने की परंपरा आज कोई नई नहीं है, बल्कि ये परंपरा बेहद पुरानी है और न जाने कब से चली चली आ रही है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में इस परंपरा को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने शुरू किया था। उनके बाद राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा ने भी रमजान में इफ्तार की दावत देने की परंपरा को कायम रखा। मगर बीते दो दशकों में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस्लाम के पवित्र महीने रमजान में इफ्तार की दावत नहीं दी है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने शनिवार को एक बयान जारी करके ईद उल फितर मना रहे सभी लोगों को शुभकामनाएं दी थी। रमजान के खत्म होने पर मुस्लिम ईद मनाते हैं। ट्रंप पर पहले भी मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों को लेकर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ट्रंप और मेलानिया ने अपनी तरफ से एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ ही अमेरिकी मुसलमान रमजान के पवित्र महीने में दान और पुण्य करते हैं। अब वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ईद मना रहे हैं और पास पड़ोस लोगों के साथ दावत की परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं। ईद की बधाई देने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इफ्तार की दावत न देने पर अमेरिकी मीडिया उनकी बेहद आलोचना कर रही है। एक न्यूज चैनल के अनुसार इफ्तार देने की परंपरा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा शुरू की गई थी। उनके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा ने भी रमजान में इफ्तार की दावत देने की परंपरा को जारी रखा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा दिए जाने वाले इफ्तार में प्रमुख अमेरिकी मुस्लिम हस्तियों के अलावा ही अन्य मुस्लिम देशों के कई अहम शख्सियत शामिल होने के लिए आती थी। अमेरिकी गृह मंत्रालय ने ईद के मौके पर दावत देने की पिछले दो दशकों से चली आ रही परंपरा को बदलते हुए इस बार दावत की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। खैर, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति नहीं बने थे, उससे पहले से ही वो इस्लाम और मुसलमानों पर कई तरह के बयान दे चुके हैं और अपनी इसी बयानबाजी के चलते वो कई बार आलोचनाओं का सामना भी कर चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि अमेरिका के कई राज्यों की स्थानीय अदालतों ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए वीजा प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी। ट्रंप मस्जिदों को आतंकवाद के प्रसार का स्रोत बताकर भी विवादों में घिर चुके हैं। अब आपको बता दें कि ये एक संयोग भी है कि सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के साथ उनके आधिकारिक आवास पर डिनर करेंगे। ट्रंप की तरह नरेंद्र मोदी भी पिछले 3 दशकों में पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिसने इफ्तार की दावत नहीं दी है। सब्सक्राइब करें टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू, जुड़ जाएं हमारे साथ और पाएं तमाम नेशनल, इंटरनेशनल और एंटरटेनमेंट की खबरें। टॉप न्यूज की रिपोर्ट।